और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 100 लोगों की सूची दी है प्रदेश अध्यक्ष को, मंथन हो चुका है और धीरे धीरे इस तरीके की चीजें बढ़ेंगी, ज्वाइनिंग होती जाएगी और आने वाले दिनों में ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में सीएम भी रहेंगे। और ये एक संकेत है कि अगर मुख्यमंत्री रहेंगे तो क्या और कुछ बड़े लोग आने वाले हैं, क्या कुछ बड़े सियासी सुरमा आने वाले हैं, ये भी सवाल बन रहा है। क्योंकि बड़ा दावा किया है भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने। उन्होंने कहा कि 100 लोगों की लिस्ट दी गई है प्रदेश अध्यक्ष को, धीरे धीरे ज्वाइनिंग के कार्यक्रम होते रहेंगे और कुछ ऐसे कार्यक्रम होने हैं जिसमें खुद मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। और चलिए मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सीपी चंद जी, MLC जो कि सपा से बीजेपी में शामिल हुए हैं। सीपी चंद जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता सपा। विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सीपी चंद जी, सबसे पहले हम आपके पास ही आ रहे हैं और ये सवाल सपा के मन में भी उठ रहा होगा और जो लोग पूरी राजनीति को देख रहे हैं 2022 के मद्देनजर, उनके मन में भी उठ रहा होगा कि ये मन आपने क्यों बनाया कि सपा छोड़कर हमें भाजपा में जाना चाहिए। देखिए, आज जो देश में और प्रदेश में हालात हैं जी, और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और यहाँ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और पिछले 7 सालों में पूरे देश में और 4.5 सालों में प्रदेश में जिस तरीके से एक अमन और शांति का माहौल बना है और तरक्की के पथ पे सरपट दौड़ रहा है प्रदेश, तो आम आदमी जो है वो पूरी तरीके से विश्वस्त है, आश्वस्त है कि भाजपा के नेतृत्व में अगर एक और अवसर मिले उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश और तेज प्रगति के पथ पे अग्रसर होगा। और ये जो माहौल बना है, इस माहौल की वजह से सारे लोग, सभी दलों के लोग, जो भी जो जनता से जुड़े हुए लोग हैं जी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ना चाहते हैं इस उम्मीद से, इस संकल्प के साथ में कि हम इस तरक्की में साझेदार योगदान दे सके। लेकिन सीपी चंद जी, आपने ज्वाइन किया है तो ये भी सवाल एक रहेगा कि ठीक है, प्रदेश और देश की तरक्की की एक भावना तो राजनीति में रहती है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा अपना भी थोड़ा वर्चस्व बढ़े, हम थोड़ा और बेहतर ढंग से काम कर पाए, दायरा बड़ा हो जाए, इसकी भी जरूरत राजनीति में होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या आपको कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी, इस पर कोई बात हुई है, चुनाव लड़ेंगे या फिर कुछ और बड़े परिप्रेक्ष्य में काम करेंगे भाजपा में? देखिए, आज तो मैं भाजपा के साथ में एक सामान्य सिपाही के तौर पे जुड़ा हूँ और इस संकल्प के साथ में जुड़ा हूँ कि पार्टी जो है वो जहाँ मेरा बेहतर इस्तेमाल समझती है वह हमको लगाएगी और मैं उसमें काम करूँगा जी। और अच्छे लोगों के साथ में, अच्छे अच्छे विचारों के साथ में, अच्छी इच्छा शक्ति के साथ में और अच्छे संकल्प के साथ में कोई आगे बढ़ता है तो एक अपने आप में स्वप्रेरणा होती है कि उनके साथ में जुड़ा जाए, उनके साथ में आगे चला जाए, क्योंकि अंततः हमारा लक्ष्य तो जनता की सेवा करना ही है और इस सेवा के और इस समर्पण में जहाँ से जितना ज़्यादा लाभ मिल सके, जहाँ जितना ज़्यादा सहयोग मिल सके, हम उसका प्रयास करते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी रिएक्शन लेंगे, लेकिन एक सवाल छोटा सा और छोटा जवाब चाहेंगे कि अखिलेश यादव तो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जो वर्तमान सरकार है उसने कोई काम नहीं किया, उनके समय में जो काम पूरे किए गए, जो शुरू किए गए थे उसी पे काम कर रहे हैं, उसी पे उद्घाटन कर रहे हैं। अब चूंकि आपने अखिलेश जी के साथ भी काम किया है कल तक, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि ये बात केवल चुनावी स्ट्रेटजी के तहत कही जा रही है, वाकई ऐसा है? देखिए, ये तो ये सारे प्रश्न तो नहीं आने चाहिए। कोई भी सरकार होती है वो काम जो करती है वो तो प्रदेश की जनता के लिए ही काम करती है जी। और अगर किसी ने कोई विचार किया और उस विचार को किसी ने आगे बढ़ाया तो ऐसा नहीं है कि जिसने विचार किया है उसको श्रेय जाता है। अंततः जो जिसने संकल्प लिया और जिसने परिश्रम करके उसको पूरा किया वो बड़ी बात होती है। सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन सपना पूरा कौन करता है ये ज़्यादा मायने रखता है।